इंडियन टेलीविजन पर कई सारे रियलिटी शोज आते हैं। डांस से लेकर सिंगिंग तक कई शोज वीकेंड पर ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। हालांकि जल्द ही टीवी पर आने वाला डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस 7 पिछले कुछ हफ्तों से खबरों में बना हुआ है, और इसकी वजह ये है कि पहली बार करीना कपूर खान जज के रूप में टीवी पर अपनी शुरुआत कर रही हैं। इसके अलावा कुंडली भाग्य स्टार धीरज धूपर डांस रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए तैयार थे और करीना कपूर के साथ काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। धीरज भी शो लॉन्च इवेंट में मौजूद थे और शो का हिस्सा बनकर खुश नजर आ रहे थे। हालांकि अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक धीरज धूपर ने डांस इंडिया डांस 7 के टीवी पर आने से पहले ही इस शो की होस्टिंग छोड़ दी है। जी हां, कुंडली भाग्य स्टार ने बॉम्बे टाइम्स से इस खबर को कंफर्म करते हुए कहा कि दो शोज में काम करने की वजह से उन पर फिजिकली और मेंटली बहुत प्रेशर आया है। धीरज धूपर ने बताया कि वो इस शो का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे, लेकिन कुछ और भी काम है जिनका उन्हें ख्याल रखना है। धीरज ने कहा, मैं ज्यादा समय तक काम करने की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वजह से मुझे किसी तरह का वीक ऑफ नहीं मिलता। इसके अलावा मुझे दूसरे काम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह के अच्छे अवसर मिलेंगे। धीरज को शो के लॉन्च इवेंट में देखा गया, जहां करीना कपूर खान, रफ्तार और बॉस्को मार्टिस भी मौजूद थे। पिंकला के साथ एक इंटरव्यू में कुंडली भाग्य स्टार ने कहा था कि करीना कपूर के साथ एक मंच पर होने को लेकर वो बहुत ही खुश थे। हालांकि अब इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने होस्टिंग छोड़ दी है। वेल, कुंडली भाग्य स्टार धीरज धूपर ने तो ये कह दिया कि कई सारे दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से उन्हें ये शो छोड़ना पड़ा है, लेकिन सच बात तो ये है कि बिग बॉस सीजन 13 के लिए अपने डेट्स खाली रखने के लिए धीरज धूपर ने करीना कपूर खान का ये शो होस्ट करने से मना कर दिया। वेल, धीरज धूपर के बाद अब इस शो में करण वाही आएंगे, जो इसे होस्ट करते हुए नजर आएंगे। क्या आप धीरज धूपर की जगह करण वाही को एज अ होस्ट देखने के लिए एक्साइटेड है? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी दर्शन।